जयसिंहपुर उपमंडल के तहत जालक पंचायत के पूर्व प्रधान व गांव के लोगों ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का पदभार संभालने पर बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। पंचायत की पूर्व प्रधान ऋतु धीमान व पंचायत के लोगों द्वारा इस बार नई शुरुआत की गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान प्रमोद राणा, उप प्रधान राकेश पटियाल व वार्ड सदस्यों के साथ पूरे गाँव में लोगों का धन्यवाद भी किया। बाद में पूर्व पंचायत प्रधान ऋतु धीमान ने पिछले 5 वर्षों के दौरान जालक पंचायत में किए गए विकास कार्यों का लेखा झोंका गाँव के लोगों व नई पंचायत के समक्ष रखा। पूर्व प्रधान ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान जालक में 75 लाख रुपए के काम किए गए हैं और 44 विकास योजनाओं पर काम प्रगति पर है। इस अवसर पर उन्होंने नई पंचायत को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पंचायत के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश पटियाल ने भी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि वो लोग एकजुट होकर पंचायत के विकास के लिए काम करें। इस अवसर पर पूर्व पंचायत प्रधान ओम प्रकाश धीमान व गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी पूर्व प्रधान एवं उप प्रधान पंचायत सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जयसिंहपुर से मुनीश सूद।